नरेंद्र मोदी के गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ करते हुए हैदराबाद के गन पार्क यादगार शहीदा पर टीआरएस लीगल सेल की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट बार काउंसिल मेंबर जी मोहन राव और सीनियर एडवोकेट अहमद वहीद के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीगल सेल की जानिब से गन पार्क पर 8 तारीख के दिन राज्यसभा में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो कमेंट्स आया, उस कमेंट्स के ख़िलाफ़ हमने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। न सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि नरेंद्र मोदी साहब से हम ये इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगे और अपने आप का जो कमेंट्स दिए वो कमेंट्स को वापस लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इस बात का पता नहीं है। क्योंकि उनको बन बनाया वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल गया, उनको स्ट्रगल क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन ये स्ट्रगल तेलंगाना के स्ट्रगल के लिए 58 ईयर्स जदोजहद किए हैं। 58 ईयर्स का ये स्ट्रगल है, इसमें 1200 नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, और ना सिर्फ जानें कुर्बान की बल्कि अपनी तमाम चीज़ों को इसमें लगा दिया, यानी कारोबार को छोड़कर अपने आप की गिरफ्तारी देते हुए। मगर केसीआर साहब से सीखे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने अपने आप को मरण वर्त रखकर इस तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुई। मैं नरेंद्र मोदी साहब से इस बात की गुजारिश करता हूं, आपने जो कमेंट्स किया अब इसके बाद आपके 4 MPs इस तेलंगाना रियासत में आप रिज़ाइन करा कर देखिए, जीत कर तेलंगाना आवाम आपको सबक सिखाएंगे। मैं